हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आज एक ऐसे दिग्गज ब्रोकिंग सेक्टर के शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, जिसके बारे में एक्चुअली मुझे तो आज तक अभी जब तक जब मैंने सर्च किया उससे पहले मुझे नहीं पता थी। आपको पता थी या नहीं पता थी? आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट एक नया स्टॉक है जिसके बारे में बातें नहीं होती, ना टीवी पे बताया जाता है ना बाहर, बट एक दिग्गज ब्रोकिंग फर्म का स्टॉक है जो कि अच्छे खासे रिजल्ट पेश कर चुका है। तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे और उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, अपना व्यू देंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। एज वेल एज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी बाइंग सेलिंग की आपको रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपको खुद की ड्यू डिलीजेंस एज वेल एज अपनी खुद की स्टडी करके ही कोई पोजीशन लेनी है। और अगर बात करते हैं कल की, तो कल देखिए हमने कुछ स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी, यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट आए थे एंजल ब्रोकिंग में, यहाँ पर 20% का अपर सर्किट। हमने बात करी थी 2-3 दिन पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, उसमें अगर बात करें 5-6% तब से भाग चुका है। कल बात करी थी ट्राइजन की, 5% आज के डेट में भागा है। इसके अलावा हमने एक दिग्गज ब्रोकिंग स्टॉक आपको बताया था, बेस्ट ब्रोकिंग स्टॉक अगर बात करें इसकी, तो लगभग 9-10% आज के डेट में भागता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे ही स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करते रहते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें, ताकि वो सीख सके कि आपको कब लेना है, कब कौन सा शेयर आपको नीचे लेवल पर लेना है और आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा क्या रहनी चाहिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और हम जानते हैं उसके, और सीखने के लिए यहाँ प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं, यहाँ पर वीडियो सेक्शन में बहुत सारे वीडियोस हैं, इन्हें जाके देखिए, अपने आप सीख जाएंगे। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड। देखिए नाम आपने देख लिया, बट नाम देख के काम नहीं चलता, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखनी पड़ती है, तो उसे देखिए। अगर हम बात करें आज के दिन की, 10% यही शेयर भागता हुआ दिखाई दिया है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए अच्छा खासा यहाँ पर जंप दिखाई दे रहा है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखते हैं थोड़ी सी गिराव यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर भी पॉजिटिव। ईयर टिल डेट देखते हैं वो भी पॉजिटिव। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए यहाँ दिखा रहा है अभी, क्योंकि ये आई थिंक NSE पे अभी लिस्ट हुआ है, बट इससे पहले ये BSE पे था। अगर मैं आपको यहाँ पर BSE लाके दिखा दूं, हाँ तो यहाँ पर सॉरी ये BSE पे यहाँ पर दिखा नहीं रहा, बट कोई इशू नहीं है क्योंकि ये शेयर मोस्टली NSE पे ही लिस्ट है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और पैरामीटर, तो यहाँ देखिए 52 वीक लो 26 अक्टूबर को यहाँ पर 92 रुपए का शेयर था, आज की डेट में बात करें तो यहाँ पर 548 रुपीज में शेयर पे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ 16 जुलाई को नजर आया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हुई थी, फिर इसी लेवल पर दोबारा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से अगर हम बात करें ब्रोकिंग फर्म जिस तरीके से चल रही है, तो ये शेयर जो अच्छे खासे है वो आपको पैसा बनाते हुए दिखाई देंगे। अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नजर आती है, 57.87% के शेयर प्रमोटर्स के आता, कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम और भी कुछ चीजों की बात करें तो यहाँ पर इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1993 शेयर इंडिया सिक्योरिटी हैज एस्टैब्लिश इटसेल्फ अ लीडिंग ब्रोकिंग हाउस इन इंडिया दैट प्रोवाइड बेस्ट वैल्यू फॉर मनी थ्रू पर्सनलाइज सर्विस नेशन वाइड टू अ सब्सटेंशियल एंड डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस एंड इंक्लूड रिटेल एज वेल एज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो अगर बात करें बहुत अच्छी और बहुत पुरानी यहाँ पर यह कंपनी दिखाई देती है। देखिए हमने अभी तक नाम नहीं सुना, और आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैंने नाम नहीं सुना था। बट अगर हम देखते हैं तो कंपनी अच्छी खासी हमें यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी क्या क्या करती हुई नजर आती है, देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, इंश्योरेंस सेक्टर में जनरल लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा बात करें ट्रेडिंग में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, ब्रोकरेज में यहाँ पर कंपनी यहाँ ब्रोकरेज फर्म भी है, ये तो आपको पता ही है, इक्विटी वगैरह यहाँ पर सब में चीज में काम करती है। मर्चेंट बैंकिंग में NBFCs में ये कंपनी काम करती रहती है, लोन अगेंस्ट शेयर्स यहाँ पर कंपनी देती हुई नजर आती है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है। तो अगर हम यहाँ पर और देखें 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइड सर्विस इन फाइनेंशियल मार्केट, लगभग 25 साल यहाँ पर कंपनी को हो चुके हैं। ओके, और भी अगर यहाँ पर और भी चीजें आप देखना चाहते हैं यहाँ पर इस कंपनी के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं, इनकी वेबसाइट के यहाँ पर विजिट करके और भी बहुत सारी चीजें आपको पता चल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप देखते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप देखिए तो 1559 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस देखे तो वो लगभग 500 कुछ के आसपास यहाँ पर चल रहा है। ROC यहाँ बात करें
25% के ROC पे कंपनी काम कर रही है, 19 के PE पे मिल रही है। डेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर लोन अगेंस्ट डेट भी देते हैं, तो उसे यहाँ पर या तो हम लोन को यहाँ पर काउंट भी नहीं करेंगे, फिर भी अगर देखें तो 42% का यहाँ पर हमारा डेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करें और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें पिछले 12 क्वार्टर के दिसंबर 2018 से, तो देखिए सेल्स देखिए 35 करोड़ रुपए की सेल्स आज की डेट में 191 करोड़ की सेल्स में हो गई है, जो कि हाईएस्ट एवर। और हमेशा मैं आपको बताता हूँ जब हाईएस्ट एवर नंबर आने लग जाए ना, तो समझ लीजिए वो स्टॉक आपके लिए अच्छा खासा है। और तब जब ये सारी की सारी इंडस्ट्री ही चल रही है, तो यहाँ पर जब इंडस्ट्री चल रही है यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग ने अच्छे नंबर दिखा दिए है, यहाँ पर ए बी मनी आदित्य बिरला मनी ने अच्छे नंबर दिखा दिए, जब इसने इन दोनों ने अच्छे नंबर दिखा दिए, तो यहाँ पर अगर बात करें इस कंपनी की तो ये भी अच्छे नंबर दिखाएगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 1 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर 56 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है, और वो भी विद इन 12 क्वार्टर। अगर इसके अलावा बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, वही 5 करोड़ का 36 करोड़ में चेंज हो गया, जो कि हाईएस्ट एवर है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट। इसके अलावा बात करते हैं पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस की, 74 करोड़ रुपए की सेल्स 448 करोड़ की सेल्स में बदल गई, और वो भी कंसिस्टेंसी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर देखे कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर नेट प्रॉफिट भी देखे 6 करोड़ का 82 करोड़ हो गया, 6 साल में इतना हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। मतलब हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये कंपनी काफी बेहतरीन है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स देखिए 21 करोड़ के रिजर्व 248 करोड़ में तब्दील हो गए, 21 करोड़ के बोरिंग यहाँ पर 119 करोड़ की हो गई, और बोरिंग मैंने आपको बता दिया लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज देते हुए दिखाई देते हैं, तो बोरिंग यहाँ पर हम काउंट ना करें तो ही बेटर होगा। अगर बात और भी कुछ चीजों की करें, इन्वेस्टमेंट देखिए 67 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कैश की बात करें 307 करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट है, और जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है। इंक्रीमेंट मैटर में यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट एवर कैश फ्लो है, आरओसी बेहतरीन है, हाईएस्ट एवर आरओसी है, और अभी जब अच्छे खासे कस्टमर इंडिया में यहाँ पर लोग शेयर बाजार में आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर और भी ये परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर काफी होल्डिंग यहाँ कम करी है, बट अगर बात करें दिसंबर 2019 से कोई भी यहाँ पर होल्डिंग कम होती नजर नहीं आई है, बल्कि यहाँ पर जून सितंबर 2020 में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वो भी सितंबर में बढ़ाई फिर दिसंबर में बढ़ाई, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। FIIs की बात करें, FIIs तो 0.02% है, FIIs यहाँ पर DIIs FIIs है नहीं, बट अगर बात करते हैं 44% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, बट अगर यहाँ पर आप काउंट करोगे इसे यहाँ पर पूरे के पूरे, तो यहाँ पर लगभग ये ओवरऑल आई थिंक 20% के आसपास का यहाँ पर बैठता है, या 14% का जो भी है, बट यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग आपको मिल रही है, और ये शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आ रहा है, और अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर दोबारा ये परफॉर्मेंस अच्छा खासा देगा, और दोबारा यहाँ से ही 50-day मूविंग एवरेज से यहाँ पर ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला जो इसका टारगेट होगा, ऐसा कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी यही कंपनी अगर बात करें 2017 में लिस्ट हुई थी, उसके बाद थोड़ा ऊपर गई यहाँ पर फिर नीचे आई, और इसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर ये भागती हुई दिखाई दी है। ओके, एंड इसके अलावा हम देखें तो देखिए यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई था जो ये है, ओके, इसे तो जाना ही जाना है, बट यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर रुकने नहीं वाली 601 पे, ये जाने वाली है और ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट जब अभी आएंगे दोबारा, तो वो दोबारा बेहतरीन रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा RSI तो अभी देखना बेकार है इन कंपनीज में, क्योंकि ये कंपनी और ग्रोइंग मोड पे है। कहते हैं ना एक अच्छा खासा ये जो ब्रोकिंग फर्म है, इन्हें अच्छा खासा मार्केट में तवज्जो मिल रहा है, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। बाकी कंपनी काफी बेहतरीन है, आई होप आपको एक नई कंपनी के बारे में जानने को मिला है, मुझे तो एटलीस्ट मिला है, और मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किया है आज, तो इस चीज को बस आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आपको करना है। कुछ टाइम में इसके रिजल्ट आएंगे तब हम इससे रिलेटेड बातें करेंगे, या फिर ये शेयर दोबारा जब भागता हुआ दिखाई देगा तो हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये शेयर कितना बेहतरीन था। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं, सीखने का मौका मिलेगा, नए शेयर जानने का मौका मिलेगा, अच्छे खासे हम गेन भी मिलते हुए नजर आएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।